स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम आपने सीखा था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, प्रोटॉन, एनोड रेज, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उम्मीद है वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर इनकी पीडीएफ फाइल दे दी जाए। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को आप एचडी में क्वालिटी में चला के वहाँ से नोट कर सकते हो, और फिर भी मैं इनकी पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा आपको। चलिए आज हम आगे का लेक्चर सीख लेते हैं और नोट कर लेना साथ के साथ। ठीक है, तो कुछ टर्म्स हैं स्टूडेंट इसमें इम्पोर्टेंट। पहले टर्म्स हैं आपकी आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या होते हैं भाई? आइसोटोप क्या होता है, लिखिए, द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, बट डिफरेंट एटॉमिक मास क्या कहलाएंगे, आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, आइसोटोप। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देखिए, 1H1, 1H2, 1H3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो वन है ये इनका एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, बट एटॉमिक मास क्या बन रहा है, अलग अलग, और एलिमेंट सेम है। ठीक है, और एग्जांपल देख लीजिए, यूरेनियम है 92 से 235, और यूरेनियम 92 से 238। तो यहाँ पर एटॉमिक मास अलग अलग है, बट एटॉमिक नंबर क्या स्टूडेंट, सेम। क्लियर, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन नोट कर लीजिए, आइसोबार क्या होते हैं। ठीक है, आइसोबार, आइसोबार क्या होता है स्टूडेंट, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक मास, विच हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिसके एटॉमिक नंबर अलग अलग हो और मास क्या हो, सेम। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल बेटे, पोटेशियम हो गया, आर्गन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये देखिए 19, 18, 20, एटॉमिक मास इन सब का क्या है स्टूडेंट, सेम, 40, 40, एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग। तो ये याद कर लेना स्टूडेंट। ठीक है, आइसोबार भी बता दिए मैंने आपको। नेक्स्ट है आपका आइसोटोन, आइसोटोन्स ये क्या होते हैं सर, आइसोटोन्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो स्टूडेंट, सेम, क्या सेम, अब की बार न्यूट्रॉन की संख्या, लेकिन अलग अलग क्या हो सर, अलग होते हैं इसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी क्या होते हैं स्टूडेंट, अलग अलग होते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, कि द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक मास बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, सेम। ठीक है, अब डिफरेंट एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होना ही है। ठीक है, एटॉमिक मास भी डिफरेंट है। एग्जांपल कार्बन C14, कार्बन के देखिए दो एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं। ठीक है, कार्बन C6 से 14, 6 से 12, तो ये हमने लिखा 6 to 14 वाला। ऑक्सीजन 8 to 16,
अब स्टूडेंट देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते कैसे हैं, बिकॉज एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, कल बताया था मैंने आपको, ठीक है। यहाँ से न्यूट्रॉन अगर आप निकालोगे तो एटॉमिक मास को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया माइनस पी, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस में प्रोटॉन, और प्रोटॉन जो होते हैं स्टूडेंट न्यूट्रल एटम के लिए प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक नंबर को जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और यही किसके बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो एटॉमिक मास कितना है इसका 14, प्रोटॉन कितने हैं 6, कितना बच गया 8, ऐसे ही इसके लिए कितना आएगा 8। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन दोनों में क्या स्टूडेंट सेम है, इसलिए क्या है आइसोटॉन्स, ठीक है। आइसोटॉन भी मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट है आइसोटर्स, ठीक है स्टूडेंट, आइसोटर्स। अब काफी स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर आइसोटॉन्स हैं उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम कैसे आया। भाई ये दो एग्जांपल आप याद कर लो, कार्बन 6 to 12 ये वाला का एग्जांपल याद करो, और ऑक्सीजन 8 to 16, ठीक है। कार्बन 12 अगर आप लोगे तब तो नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर कार्बन 6 to 14 अगर आप लेते हो तब बन जाएगा एग्जांपल इसका, ठीक है। आइसोटर्स क्या होते हैं सर, सिंपल है, अब की बार एलिमेंट की बजाय मॉलिक्यूल लेंगे स्टूडेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैविंग द सेम नंबर ऑफ एटम, क्या लिखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम, सेम नंबर ऑफ एटम्स का मतलब क्या है, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ CO2 या N2O, तो इन दोनों में एग्जांपल एटम नंबर कितने बन गए 3, ठीक है, इसलिए क्या बोले इसको हम सेम नंबर ऑफ एटम। लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होने चाहिए स्टूडेंट, सेम होने चाहिए, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, हेंस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो सेम। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, आइसोटर्स। एग्जाम्पल देख लीजिए N2O और CO2, पहले हम नंबर ऑफ एटम देखते हैं इनमें, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट सब्सटेंस अलग अलग है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। सेम नंबर ऑफ एटम 2, 1, 3 एटम, इसमें 2, 1, 3 एटम, सही है। इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर कितना होता है, यस ज्योति कितना होता है 7, तो 7 × 2 = 14 एंड 8 कितना हो गया 22, ठीक है। यहाँ पर कार्बन में कितना होता है, एटॉमिक नंबर की अगर बात की जाए तो कितना होगा इसमें कार्बन में 6, ठीक है, और इसमें 8 × 2 = 16, फिर से कितना हो गया 22, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहे सेम। देखिए एटॉमिक नंबर तो हम एटम का देते हैं ना, नाइट्रोजन अकेले का, यहाँ मॉलिक्यूल है तो इनके हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिए। फिर से समझा देता हूँ, N2O और CO2 एग्जांपल लिए, इसमें सारे एटम काउंट कर लेंगे, 2 एटम तो नाइट्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का, कितने बन गए 3 एटम, ठीक है। CO2 में 2 एटम ऑक्सीजन के, 1 एटम कार्बन का, कितने बन गए 3 एटम। तो एक डेफिनेशन कंप्लीट, हैविंग द सेम नंबर ऑफ एटम, ठीक है। एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, जो एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट वही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन कितने बन गए 7, 2 हैं यहाँ पर, तो 7 × 2 = 14 प्लस 6 कितने बन गए सॉरी प्लस 8 22, और इसमें कार्बन का 8 एटॉमिक नंबर होता है, 8 × 2 = 16 और 6 ये 22, तो सेम नंबर ऑफ एटम, इसीलिए सेम नंबर ऑफ इसके इलेक्ट्रॉन्स आए और सेम फिजिकल क्या बन जाएंगे इसकी प्रॉपर्टी। ऐसे स्पीशीज को बोलते हैं स्टूडेंट आइसोटर्स, ठीक है। अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रह गई, क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज,
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है स्टूडेंट? देखिए ऐसे स्पीसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। द स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें सेम नंबर ऑफ क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं सर, जैसे N3 नेगेटिव है बेटे, ये याद रखना, अगर नेगेटिव चार्ज ऊपर आ जाता है किसी भी एलिमेंट पे तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, और अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बताइए, यहाँ पर 7 तो इसमें थे, 7 3 10 हो गए। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते, 2 नेगेटिव लगा दिए, कितने हो गए, 10 हो गए। एल्यूमिनियम में 13 होते बट 3 पॉजिटिव लगा, कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। नियोन खुद एक 10 इलेक्ट्रॉन रखता है तो 10 हो गए, ठीक है। और क्या बताएंगे सर, और देख लीजिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में 12 होते, 2 पॉजिटिव लगा दो, कितने बन गए, 10 बन गए। तो ये सब क्या है स्टूडेंट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आप नोट कर लेना साथ के साथ। चलिए मैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, लेक्चर ज़्यादा बड़ा बन जाता है तो HD क्वालिटी में वो अपलोड नहीं होता, इसलिए छोटे लेक्चर बनाने पड़ते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, मान लीजिए ये कह दिया जाए कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताओ, अगर गीवन क्या है, गीवन केवल एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास कितना है स्टूडेंट, 27। तो देखिए स्टूडेंट ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, नोट कर लेना। एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर इस जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, क्लियर। और फॉर न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं स्टूडेंट, इक्वल। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल। एटॉमिक मास कितना आपका, 27, ठीक है। चलिए अब हम निकालेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो कैसे निकलेंगे देख लीजिए। फॉर्मूला एक और याद कर लो आप, देखिए क्या कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अब हमें याद होना चाहिए एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर, स्टूडेंट्स 1 to 40 तो 11th क्लास के स्टूडेंट के एटॉमिक नंबर याद होने ही चाहिए, तो आप प्लीज आज पीरियोडिक टेबल से ये सब याद कर लेना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम कितने हैं, 13 होता है, हैंस नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑल्सो इक्वल टू 13। तो एक चीज तो कैलकुलेट हो गई ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 13, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं स्टूडेंट, इक्वल, ठीक है। अब न्यूट्रॉन की बात कर रहा है, तो बिकॉज एटॉमिक मास जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं ए से, इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ से न्यूट्रॉन अगर आप निकालोगे तो ए माइनस पी, दिस इंप्लाइज दैट एटॉमिक मास कितना स्टूडेंट, 27। एटॉमिक मास कितना है ये देखो, ये गिवन है 27, प्रोटॉन की संख्या कितनी है 13, तो ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना आ जाएगा, 14, ठीक है। तो इस प्रकार हम न्यूट्रॉन एलिमेंट के प्रोटॉन एटॉमिक नंबर ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक और मैं आयन का और दिखा देता हूँ, मान लीजिए ऐसा आ जाए O2 नेगेटिव में जिसका एटॉमिक मास 16 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, प्रोटॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एटॉमिक नंबर की, बिकॉज जेड इज इक्वल टू, जेड का मतलब क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 8,
देन प्रोटोन ऑल्सो इक्वल टू 8. लेकिन प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, ऑफ कोर्स इक्वल, लेकिन वो न्यूट्रल एटम के लिए. अगर चार्ज उसके ऊपर गिवन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या हो जाएगी, चेंज. नेगेटिव अगर है तो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाएंगे, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज कर जाएंगे. तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 नेगेटिव बना, एटमिक नंबर कितना 8, तो कितने बन गए इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, 10 बन गए. ठीक है, अब न्यूट्रॉन निकालेंगे तो बिकॉज एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, हैंस न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस में प्रोटॉन, एंड न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास कितना स्टूडेंट 16, प्रोटॉन कितने भाई 8, ये कितने आ गया 8. ठीक है स्टूडेंट, तो ये सभी क्वेश्चंस आप यहां से सीख लो और पीडीएफ फाइल में मैं इसके रिगार्डिंग वाले क्वेश्चन सेंड कर दूंगा. थैंक यू.